Back in my bag, yo. Conscious. ISO. Dumb. Back in my bag and I gotta brag, I do this shit for real. And we was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, and she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring her to the hood like she carrying silver when she keep on turning head. Cause when she walk that thing, jiggle, jiggle. और इसके अलावा तुम कर सकते हो ये shake transition, camera shake और तुम दूसरी जगह, और या फिर ये spin transition जिससे मैं जब चाहूँ स्टूडियो में आ सकता हूँ। क्या बात है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी करने के लिए फोन की जगह कैमरा से शूट करने लगे हो। सिनेमैटिक लुक, स्टोरी भी अच्छी है, इंटरेस्टिंग करनी है तो उसके अंदर से बोरिंग पार्ट्स को हटाओ, वीडियो की पेसिंग फास्ट रखो और इसके अंदर ट्रांजिशंस डाल दो। भाई तू ही बता देना ट्रांजिशंस इस वीडियो में। अरे तू दुखी मत हो मेरे मित्र, मैं ही तो बताऊंगा। हो गया रिकॉर्ड? हाँ। लाभ जल्दी 100 रुपए निकाल। अबे एक डायलॉग के 100 रुपए लेगा? अबे कंजूस, तो वीडियो शुरू होते ही बोल देता ना, आज मैं बताऊंगा अपनी वीडियो में ट्रांजिशंस कैसे डालें, मेरी जरूरत नहीं पड़ती फिर। अबे अच्छा चल, अभी वॉलेट नहीं है, पेटीएम कर दूंगा। ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस बिल्कुल एक छोटे बच्चे के बर्थडे पर उस केक के पीस की तरह है जिस पर फूल बना रहता है। पूरा केक इतना ही टेस्टी है, पूरा केक इतना ही टेस्टी है, बट सभी को चाहिए वो फूल वाला पीस। तो अगर तुमने अपने केक, अपनी वीडियो पर ट्रांजिशंस का फ्लावर डाल दिया तो समझ लो उस वीडियो को सभी लोग देखना चाहेंगे। तो अगर तुम अपनी कोई भी वीडियो या शॉर्ट फिल्म बना रहे हो तो तुम्हें ये इन कैमरा ट्रांजिशंस जरूर आने चाहिए। तो इन कैमरा ट्रांजिशंस वो होते हैं जिन्हें तुम शूट करते टाइम ही कर सकते हो, एडिटिंग में कोई ज्यादा काम नहीं होता। बस दो चीजों का ध्यान रखना है, पहला कि शूट करने से पहले ही प्लान कर लो कि क्या करना है, एंड दूसरा पॉइंट याद रखना, अगर फर्स्ट क्लिप लेफ्ट टू राइट है तो सेकंड क्लिप भी लेफ्ट टू राइट ही होनी चाहिए जिससे तुम्हारे कट्स मैच कर जाएं। तो एक तरफ जहां मेरे दोस्त घूम रहे हैं ले लद्दाख, मैं आ गया नोएडा से अपने घर, घर वालों के साथ ट्रिप पे जाने के लिए। तुम्हें लग रहा है मैं दुखी हूं? नहीं नहीं, तो बट इसी वजह से बहुत टाइम बाद मैं अपनी माँ से मिल पाया, 6 दिन और 17 घंटे बाद। बट कोई नहीं, ट्रांजिशंस में भी हम अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, तो इस वीडियो के एंड में भी हम अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं। वेलकम बैक। तो सीधा मैं तुम्हें ट्रांजिशंस बता देता हूँ कैसे शूट होंगे और किस तरह से एडिट होंगे। एडिट बहुत ही सिंपल है, कुछ तो बिल्कुल भी एडिट नहीं होना है और किसी किसी में बहुत ही सिंपल और डिफॉल्ट ट्रांजिशन लगना है। तो हमारे पास सबसे पहला ट्रांजिशन जो इस क्लिप में आता है वो है मैच कट। मैच कट में आपको दो क्लिप शूट करनी है सेम चीज की, जैसे कि मैंने यहाँ पर शूज को रखा है। अब तुम्हें यहाँ पर अपनी दोनों क्लिप्स में चलना है बट सेम स्पीड में। उसके बाद तुम उसमें ऐसी जगह कट लगा सकते हो जिससे सब्जेक्ट तुम्हारा सेम रहे बट बैकग्राउंड चेंज हो चुका हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना पैर आगे बढ़ाया और उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में भी जैसे मेरा पैर आगे था तभी मैंने कट लगा दिया। अब ये इसी की वजह से बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। उसके बाद आता है सिंपल पैन ट्रांजिशन। तुम पैन कर सकते हो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, या फिर किसी भी डायरेक्शन में। बस तुम्हें शूट करते हुए ध्यान रखना है, तुमने जब अपनी क्लिप शूट करी है उसके एंड में तुम्हें अपना कैमरा फास्ट मूव कर देना है किसी भी डायरेक्शन में, और तुम्हारी सेकंड क्लिप के शुरू में वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी क्लिप के एंड में राइट में पैन किया है, इसी तरह नेक्स्ट क्लिप के शुरू में तुम्हें लेफ्ट टू राइट पैन करना है और सिंपल फिर तुम्हें कट लगा देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशन आता है मास्किंग। इसमें थोड़ी सी एडिटिंग चाहिएगी। मास्किंग के लिए तुम्हें क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को शूट करते हुए सब्जेक्ट और कैमरा के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए जिससे तुम उसे मास्क कर सको। जैसे कि यहाँ पर मेरा दोस्त है निहाल, मैं इसे शूट कर रहा था और इसके आगे आ जाता है ये ट्री, और अब मैं इसे मास्क कर दूंगा और इसके पीछे दूसरी क्लिप लगा सकते हैं हम। और मास्क करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, सबसे पहले जाओ ओपेसिटी पे, इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करो, इसको कर देता हूँ मैं 25 और यहाँ पर मैं एक मास्क बना लूंगा ऐसे इनवर्ट। अब यहाँ से की फ्रेम को इनेबल कर देना है इस क्लॉक वाले आइकन से, फेदर को हल्का सा बढ़ा देना है और उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेम और तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो ऐसे, फिर नेक्स्ट फ्रेम, फिर तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट फ्रेम, फिर तुम इसे एडजस्ट कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा एडिटिंग का काम है जो कि तुम्हें सॉफ्टवेयर से ही करना होगा, बट इस ट्रांजिशन को तुम हर जगह यूज कर सकते हो। और इसमें एक एडवांटेज है, इसके लिए तुम सेकंड क्लिप कुछ भी यूज कर सकते हो बट वो उसी मोशन में होनी चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर तो कोई भी रैंडम क्लिप लगा दी है, बट तुम ऐसे कर सकते हो एक तरफ से तुम्हारा सब्जेक्ट जा रहा है, दूसरी तरफ से कोई और आ जाता है, या फिर उसी सब्जेक्ट के कपड़े चेंज हो जाते हैं या कुछ भी, ये सब हो सकता है मास्किंग ट्रांजिशन से। उसके बाद आता है हमारा मैच कट ल्यूमा की ट्रांजिशन।
ये थोड़ा नया है और देखने में भी थोड़ा अच्छा है। तो इसके लिए तुम्हें दोनों क्लिप वो शूट करनी है जिसमें तुम्हारा सब्जेक्ट मैच हो रहा हो। उसके बाद हम ले जाते हैं अपनी क्लिप्स को एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। अब मैं यहाँ पर तुम्हें प्रीमियर प्रो में करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सारे सिंपल इफेक्ट तुम किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर इसमें इन कैमरा ट्रांजिशन है जिसमें तुम्हें शूट के टाइम पे ज्यादा ध्यान रखना होता है। अगर तुम अपनी वीडियो शूट कर चुके हो और तुम्हारे पास एडिटिंग की ज्यादा स्किल्स नहीं है तो तुम यूज कर सकते हो सिंपल एंड पावरफुल फिल्मोरा। फिल्मोरा में भी तुम सेम ही ट्रांजिशन लगा सकते हो, बल्कि यहाँ पर तुम्हें और भी ज्यादा बिल्ट इन ट्रांजिशन मिल जाते हैं जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे कि फायर एलिमेंट वाला ट्रांजिशन, वाटर स्प्लैश वाला ट्रांजिशन, कलर डिस्टेंस वाला ट्रांजिशन। तो आओ इसे अपनी वीडियो में यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी दोनों क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेना है फिल्मोरा की टाइमलाइन पर। दोनों क्लिप्स पे ही तुम्हें सही टाइम पर कट लगा लेने हैं जहाँ पर तुम्हारे फ्रेम्स मैच हो रहे हो। उसके बाद यहीं पर तुम्हें टॉप लेफ्ट में दिख जाएगा मीडिया, स्टॉक मीडिया, ऑडियो, टाइटल्स, ट्रांजिशंस। अब तुम्हें जाना है ट्रांजिशंस पर और यहाँ पर कलर डिस्टेंस सर्च करना है और सिंपल ये तुम्हें डाल लेना है अपनी दोनों क्लिप्स के बीच में और बस कुछ नहीं करना। इसके बाद तुम्हारा कलर डिस्टेंस ट्रांजिशन तैयार हो गया बहुत ही इजी तरीके से। और बस ट्रांजिशन ही नहीं, यहाँ पर तुम्हें और भी ज्यादा फीचर्स मिलेंगे जैसे कि स्पीड रैंपिंग, जिसकी मदद से तुम वीडियो की स्पीड चेंज कर सकते हो और उसे सिनेमैटिक लुक दे सकते हो। और बाकी फीचर्स इसमें है ऑटो बीट सिंक जो तुम्हारी क्लिप्स को खुद ही अरेंज कर देगा तुम्हारे म्यूजिक के हिसाब से। AI पोर्ट्रेट फीचर जिसमें तुम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो और स्टिकर्स लगा सकते हो अपनी वीडियो पे। तो अगर तुम्हारे पास एडिटिंग की ज्यादा स्किल्स नहीं है या फिर तुम्हारे पास है तुम्हारे दादा का पुराने स्पेक्स वाला PC या लैपटॉप, तो उसमें भी तुम वंडरशेयर फिल्मोरा का न्यू वर्जन फिल्मोरा 11 इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारी ट्रांजिशन यूज के लिए पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करो। उसके बाद आता है स्काई ट्रांजिशन। अब तुम्हें अपनी क्लिप को शूट करना है और उसके बाद अपने कैमरा को ऊपर स्काई की तरफ कर देना है जहां पर बिल्कुल प्लेन स्काई आ जाए। और जब अपनी दूसरी क्लिप तुम शूट कर रहे हो उसके शुरुआत में तुम्हें स्काई से नीचे करना है अपने सब्जेक्ट की ओर, तो इससे ऐसा लगेगा कि वहां पर कोई कट था ही नहीं। और फिर तुम्हें अपनी क्लिप में बिल्कुल सही जगह पर कट लगा देना है एंड डन। नेक्स्ट ट्रांजिशन है फ्रेम ब्लॉक। यहाँ पर तुम अपनी जब पहली क्लिप शूट कर रहे हो तो उसके एंड में तुम्हें किसी चीज को ब्लॉक कर देना है, और जब तुम अपनी सेकंड क्लिप शूट कर रहे होगे तो तुम दूसरी लोकेशन से उसे वापस से रिवील कर सकते हो। ऐसे ही तुम यूज कर सकते हो कैमरा शेक ट्रांजिशन। पहली क्लिप के एंड में तुम्हें कैमरा शेक करना है और सेकंड क्लिप के शुरुआत में तुम्हें कैमरा शेक करना है, बट सब्जेक्ट की पोजीशन याद रखना, जितना सेम हो सके उतना अच्छा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। ऐसे ही तुम शूट कर सकते हो स्पिन ट्रांजिशन। पहली क्लिप में कैमरा पकड़ के स्पिन हो जाओ, सेकंड क्लिप में भी स्पिन हो जाओ, फिर सही जगह कट लगा दो और तुम्हारा काम बन गया। तो इसी तरह अपनी इमेजिनेशन से तुम किसी भी चीज से ट्रांजिशन बना सकते हो। और इसके अलावा भी ट्रांजिशंस तो अभी भी बहुत हैं, जैसे कि स्मूथ जूम, रोटेशन। हाँ, इस वीडियो में नहीं, इसको छोटा रखते हैं, इस वीडियो के और भी पार्ट बना सकते हैं ना, जैसे कि पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और वो भी इस वीडियो से थोड़ी अच्छी क्वालिटी में। तो तब तक के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। What a song, baby song, by Norvex, Sound Teacher Max, yo yo.